नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारा ब और भ हमारा व्यंजन हमने स्टार्ट किया है और उसमें हम ब और भ तक पहुंच गए, राइट। आज हम लोग म करेंगे। क्या करेंगे? म, राइट। म से मगर। पर अब आज हम लोग पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हर बार हम लोग रिविजन इसलिए करते हैं ताकि हर एक व्यंजन और हर एक स्वर हमें याद रह जाए, राइट। सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने कई दिनों से हमारा स्वर का जो गाना था वो नहीं गाया है, याद है ना। स्वर का हमारा गाना क्या था? अनार खाओ ताजा ताजा, आम होता फलों का राजा। अनार खाओ ताजा ताजा, आम होता फलों का राजा। इमली से बनी मीठी चटनी, ईख से बनता गुड़ और चीनी। उल्लू रात को जागा करता, ऊन से हमारा स्वेटर बनता। ठंडी स्टार्ट हो गई है और ऊन से स्वेटर बनता है। एकता देश की बेहद जरूरी, ऐनक पहन कर इतराओ ना कभी। ओखल में तुम कूटो धान, औरत का करो सम्मान। रूबी है स्वर का अंग, आओ गाओ मिलकर संग, राइट। याद आया ना हमारा गाना? अनार वाला अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उससे उल्लू, ऊ से ऊन, ए से एकता, ए से ऐनक, ओ से ओखल, ओ से औरत, राइट। ये सारे हमारे स्वर थे। एक बार हम कैसे लिखते वो एक बार लिख लेते हैं। अ आ ई ई ऊ ऊ रू ए ऐ ओ औ। ये है हमारे स्वर। क्या है? ये है हमारे स्वर, राइट। और ये है हमारे व्यंजन। क्या है? व्यंजन, राइट। व्यंजन क्या क्या है? क ख ग ग च छ झ ज त ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब ब। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, च से चम्मच, छ से छाता, झ से जग, ज से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठक्ठक, ड से डफली, ढ से ढक्कन। अण तो अण नहीं होता, कितना फेन का अण गुजराती में कहते रहे, पर अण का उपयोग हम करते हैं। त से तरबूज, थसे थर्मस, दसे दमकल दरवाजा, राइट। धसे धनुष, नसे नयन, राइट। पसे पतंग, फसे फसे फन, नाक का फन होता है ना, फसे फन, फसे फल। बसे बसे बकरी, राइट। ब फिर ब, बसे क्या होगा? बसे बसे होता है ब, फ से हमने क्या देखा? फन। बसे बकरी। और भ से भरना, पानी भरना हमने देखा था ना, बसे भरना, राइट। पानी भरते हैं वो। और भ से भवन, बसे भट्टी, राइट। पानी भरने की बात भी हमने की थी। भसे थोड़े से कम शब्द होते हैं पर भ का उपयोग बहुत जगह होता है। भसे भरना, भसे भवन या भसे भट्टी, जिसके अंदर हम लोग बेकरी की आइटम्स करते हैं, भसे भट्टी, राइट। नाउ देखो, आज हम लोग क्या करेंगे? म करेंगे। क्या करेंगे? म।
तो मा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? मा से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो हमें देखने होंगे। क्या लिखना होगा? मा से कौन कौन से शब्द बनते हैं, और फिर हम उसके बाद मा से मा के स्टेप देखेंगे। सबसे पहले मा से मटर, मटर की सब्जी सबको अच्छी लगती है, पनीर मटर, राइट, मटर की कचौरिया। मा से मटर, अभी विंटर आएगा तो मटर बहुत सारे आएंगे, और सभी तो क्या करते हैं अपनी फ्रीजर में भी उसको लॉक करके रखते हैं, राइट, फ्रोजन करके रखते हैं ना मटर। मा से मटर, मा से मगर, क्रोकोडाइल, मा से मगर, मा से मयूर, मयूर यानी कि मोर, मा से मयूर और मा से मोर, मोर है ना वो मात्रा वाला शब्द, इसलिए मा से मयूर, मोर को मयूर भी कहते हैं, राइट। और दूसरा क्या होता है? मा से मछली भी होती है, राइट, मा से मटर, मा से मगर, मा से मयूर, मयूर यानी कि मोर, मोर क्या है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है, राइट। मोर की सुंदरता कितनी, मोर कितना सुंदर होता है, उसके जो पंख होते हैं वो कितने रंग बिरंगी होते हैं, मोर के जैसा सुंदर पक्षी और कहीं नहीं है, राइट। वो एकदम कैसा होता है? भारी होता है, राइट, उसके पंख इतने बड़े होते हैं कि वो बहुत दूर ऊंची पर उड़ सकता नहीं है, राइट, और वो इतना सुंदर है कि इसी सुंदरता के लिए हमने भी हमारा नेशनल बर्ड चुना है, राइट, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राइट। म से मगर, म से मटर और म से मयूर, राइट। नाउ अभी हम लोग हमारे म के स्टेप करते हैं, क्या करते हैं? म के स्टेप। तो चलो म के स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि हमारी जो हमें ड्रेसिंग दिया ही है, राइट, हमें उसमें ड्रेसिंग करके ही सीखना है। सबसे पहले करना है स्टैंडिंग लाइन करनी है। क्या करनी है? स्टैंडिंग लाइन। बट ये जो स्टैंडिंग लाइन है उसको हमें याद रखना है कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन से यहां तक हमें उसको टच नहीं करने देना है, सिर्फ यहां तक ही करनी है, राइट। ऐसे जो लाइन है ओके, उसमें यहां से लेके यहां तक टर्न कर देना है, यहां हमें टच करने देना नहीं है, राइट, वो हमें खास याद रखना है, नहीं तो क्या करेंगे, नीचे तक टच कर देंगे तो पूरा रोंग होगा, राइट। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन यहां तक, ये जो थर्ड लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे क्या करना है, थर्ड लाइन से थोड़ा सा नीचे, फिर जो नीचे की है वहां से दूसरा राउंड, देखो यहाँ से स्टैंडिंग लाइन और वहां से दूसरा एक टर्न कर देंगे, क्या कर देंगे, टर्न, राइट। जैसे कि उल्टा पी कैसे होता है, पी को हम उल्टा करेंगे तो कैसा होगा, ऐसे करके ऐसे स्टैंडिंग राउंड, स्टैंडिंग राउंड, स्टैंडिंग राउंड, डन। मा कैसे करेंगे, स्टैंडिंग राउंड, स्टैंडिंग राउंड, अगर हम पी करते तो ऐसा करते हैं, बट हम उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, उल्टा हम करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे, डन। तो अभी हम क्या करेंगे, वापस करते एक बार, सबसे पहले हमें स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन यहाँ नीचे टच करने देनी नहीं है, और वहां से ही दूसरा टर्न, और वहां से फिर करनी है स्लिपिंग लाइन, क्या करनी है, स्टैंडिंग टर्न एंड स्लिपिंग, 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 राइट। याद रखना है स्लिपिंग लाइन कर दी इसमें, फिर स्लिपिंग लाइन से क्या करेंगे हम लोग, उसी को हम स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देंगे, क्या करेंगे हम लोग, जो स्लिपिंग लाइन की है उसको ही हम स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देंगे, राइट। देखो जैसे उसको दूसरी स्टैंडिंग लाइन से हम लोग जोड़ देंगे, डन। देखो चलो वापस करते हैं एक बार, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडिंग टर्न स्लिपिंग और स्टैंडिंग जोड़ दी, हो गया मम लाइन, जैसे आप गुजराती में करते हैं वैसा ही होता है, स्टैंडिंग टर्न स्लिपिंग, स्टैंडिंग स्लिपिंग लाइन,
फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन करने से ही हमारा हिंदी वर्ण बनता है, वो तो सबको याद ही है। क्या किया हमने? स्टैंडिंग, टर्न, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, टर्न, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, टर्न, स्लीपिंग, स्टैंडिंग। राइट, देखो स्टैंडिंग लाइन थोड़ी क्रॉस हो गई तो हमारा रोंग लगेगा। राइट, इसलिए स्टैंडिंग लाइन करने में खास ध्यान रखनी है डर। ओके, स्टैंडिंग, टर्न, स्लीपिंग, और फिर हमें म बना देना है। म से मगर, म से मटर, म से मयूर, और म से क्या मैंने किया था लास्ट में, मछली। राइट, तो देखो चलो सबसे पहले तो हम लोग हमारी जो ये एक्सरसाइज है ना, हमारा पेज नंबर कौन सा पेज नंबर, म तो चलो सबको लिखना आ गया, आ गया ना सबको, पेज नंबर 48 पर हमारा जो एक्सरसाइज है। राइट, वो देखते हैं। देखो एक्सरसाइज में क्या है कि हमें बहुत सारी मछलियां दी है। राइट, तो उन सभी मछलियों में हमें क्या करना है, रंग भरना है। क्या करना है? रंग भरना है, और उन सभी मछलियों को हमें काउंट करना है। तो कितनी मछलियां दिखाई दे रही है, काउंट करो। चलो ऐसा है ना, आप लोग एक काम भी कर सकते हैं कि रंग के डॉट बना दो, या अंदर सिंपल रंग से आप लोग 1 2 3 ऐसा लिख दो तो भी आपको मिस्टेक नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा कि एक एक मछली है जो आपको अगर मिस्टेक हो सके, आप दो बार भी उसको गिन सकते हैं। तो क्या करें, सिंपल से जो भी हमें उसमें रंग करना है, मछलियां तो डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट रंग की होती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उन मछलियों में जो जो हमें रंग करने हैं उससे 1 2 3 सारे नंबर दे देते हैं और गिनते जाते हैं। राइट, तो देखो कितनी मछली है, 1 2 3 बड़ी वाली, 4 5 6 7 8 और 9 कितनी मछली है, 4 3 7 9 कितनी मछली है, 2 मछलियां है, यानी कि 9 कितनी मछलियां है, 9 डन। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि कितनी मछलियां है, 9 कितनी मछलियां है, 9 और हमें सारी 9 मछलियां है ना, 9 की 9 उन सभी में हमें अच्छे अच्छे रंग करने हैं। क्या करना है, अच्छे अच्छे रंग करने हैं। ओके, तो म तक हमने कर लिया, हमने बहुत सारे शब्द कर लिए, बहुत सारे व्यंजन कर लिए, हमने स्वर कर लिए, हमने व्यंजन कर लिए, और व्यंजन भी हमने म तक पहुंच गए हम। राइट, अभी हम बहुत आगे हैं, और अभी हम चलो, अभी हमने क से लेके म तक और सारे सॉरी हमारे सारे स्वर और क से लेके म तक के सारे व्यंजन याद है ना, अभी मैंने इसलिए रिवाइज करवाया, क ख ग घ च छ ज, और कौन से क्या क्या शब्द बनते थे वो भी मैंने अभी याद करवाया, क से कमल, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खत। राइट, तो हमारा पेज नंबर 49 है ना, पेज नंबर 49 वो भी वही है, हमें चित्र को देखना है, समझना है, और फिर उसका पहला अक्षर लिखना है। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लीपिंग लाइन में लेंगे। राइट, सबसे पहले कौन कौन से चित्र है वो देख लेते हैं, सबसे पहले सारे चित्र हम देख लेते हैं। आप कौन कौन से चित्र है, पतंग है, डमरू है, घड़ा है, दवाइयां है, टमाटर है, खत है, पची छज्जा है, फिर ढक्कन है, गमला है, ठप्पा है, तर्कस है, तर्कस यानी जिसके अंदर हम तीर भरते हैं हमारे धनुष चलाने के तीर वो, फिर थर्मस जिसमें हम गर्म ठंडा पानी रखते हैं थर्मस, फिर कछुआ है, जग है पानी भरने का, नल है, फन है, फिर धनुष, फिर मगर, और फिर शलगम। राइट, चित्र देख लिए हमने, अभी हम क्या करेंगे, हम सभी के एक एक जो हम जो चित्र देख रहे हैं उसका पहला अक्षर हम लोग लिखते हैं। राइट, तो चलो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि कौन कौन से चित्र है तो कौन कौन से शब्द लिखने हैं। ओके, चलो सबसे पहले पतंग का प, पतंग का प, सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, पतंग। तो पतंग में हम लोग क्या लिखेंगे, प, क्या लिखेंगे, प। फिर उसके बाद किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें, अभी मैंने सारे चित्र के नेम दिए ना, डमरू। क्या दिखाई दे रहा है हमें,
डमरू, राइट। तो द सेम डमरू, फिर किसका चित्र दिखाई दे रहा है, पानी भरने का घड़ा, किसका चित्र है, घड़ा, राइट। द सेम घड़ा, फिर किसका चित्र है, दवाइया, द सेम दवाइया, राइट। द सेम दवाइया, पतंग, डमरू, घड़ा, दवाइया, फिर उसके नीचे किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें, टमाटर का, तो ट से टमाटर। देखो कैसे लिखना है वही हमें अभी अच्छा देखना है कि टमाटर का ट हमें सिर्फ पहला अक्षर लिखना है, फिर क्या दिखाई दे रहा है हमें, ख, किसी का ख आता है ना, तो ख से ख, ख से ख। फिर मैंने अभी बोला था ये क्या है, छज्जा, राइट, मधुमक्खियों का छज्जा होता है ना, छ से छज्जा, मधुमक्खियां जिसमें रहती है वो, राइट। फिर किसका चित्र दिखाई दे रहा है, ढक्कन का, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन। फिर उसके बाद किसका चित्र दिखाई दे रहा है, अच्छा सा फूल खिला है, किसके अंदर खिला है, गमले के अंदर, तो ग से गमला, ग से गमला। के बाद किसका चित्र दिखाई दे रहा है, यस यस ठप्पा, ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा, राइट। फिर है क्या है, अभी मैंने बोला था जिसके अंदर तीर रखते हैं, हमारे धनुष चलाने के जो तीर होते हैं वो रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तरकस, क्या कहते हैं, तरकस, त से तरकस। उसके बाद किसका चित्र दिखाई दे रहा है, थर्मस का, राइट, थ से थर्मस, थ से थर्मस। उसके बाद किसका चित्र दिखाई दे रहा है मैं, कछुआ, कछुआ कैसा होता है, स्लो एकदम, वो कैसे चलता है, धीरे 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 धीरे। देखो ना सभी में क्या होता है कि कोई किसी में कोई ना कोई तो अच्छे अच्छे गुण होते हैं, राइट। कछुआ होता है ना, उसकी जो पीठ होती है, उसका जो पीछे का भाग होता है वो कैसा होता है, एकदम स्ट्रोंग होता है, कैसा होता है, स्ट्रोंग। अगर हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो भी उसको पता चलेगा नहीं, वैसा स्ट्रोंग होता है, राइट। वो स्लो तो होता है पर उसके एकदम वो स्ट्रोंग होता है पीठ, राइट, कैसे कछुआ। फिर क्या है, जग, पानी भरने का जग, हम जब खाना खाने बैठते हैं तो पानी का जग भर के बैठते हैं ना, राइट, जैसे जग। फिर उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, न से नल, क्या दिखाई दे रहा है, न से नल, जिसमें हम पानी भरते, न से नल। फिर फ से फन, फ से फन, फ से फन, फन जो हमें स्नैक होता है, सांप होता है, उसकी जो आगे के उसका मुंह होता है तो फन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फन, फ से फन। फिर उसके बाद है धनुष, ध से धनुष, ध से धनुष। उसके बाद क्या है, मगर, म से मगर, अभी हमने किया ना मगर, म से म अभी हमने सीखा, राइट, म लिखना गया ना हमें। फिर है शलगम, श से शलगम, राइट, ये आपको भी बाकी है करना, राइट, श भी हमें सीखना बाकी है, पर ये किसका चित्र है, शलगम का, श से शलगम, राइट। देखो एक बार वापस देख लेते हैं, अ से पतंग, ड से डमरू, ग से घड़ा, द से दवाइया, ट से टमाटर, ख से खत, छ से छज्जा, ढ से ढक्कन, ग से गमला, ठ से ठप्पा, त से तरकस, थ से क्या था, थर्मस, क से कछुआ, ज से जग, न से नल, फ से फन, ध से धनुष, म से मगर, श से शलगम, राइट। तो ये सारा हमारा अभ्यास है ना, उसमें हमने तो सिर्फ क्या किया कि जो जो हमें चित्र दिखाई देते हैं हमने सिर्फ उसका पहला अक्षर लिखा है, राइट। तो आज हमने क्या किया, आज हमने म और हमारा अभ्यास कर लिया है।
ओके नेक्स्ट सेशन में आना, हम लोग क्या करेंगे, काव्य करेंगे, सारे जो छोटे छोटे हम लोग गुजराती में सुख हमारे जोड़ना छोटी छोटी जो काव्य पंक्ति होती है राइट, जिससे हम खेलते हैं बोलते हैं, वैसे हमारी पेज नंबर 50 पर देखो गाओ गाओ ऐसे छोटे छोटे सॉन्ग होते हैं जो हम लोग गाते हैं ना, इंग्लिश में राइम्स गाते हैं, हिंदी में ऐसी छोटी छोटी कविताएं गाते हैं, वो हम लोग करेंगे राइट। तो आज हमने क्या किया, म म आपको कंप्लीटली आना चाहिए राइट। हमें क्या करना है, हमें सी डब्ल्यू में पूरा एक पेज म का लिखना है, और हमारी ये जो टेक्स्ट बुक है हमारी पाठमाला है उसमें पेज नंबर 48 और पेज नंबर 49 है वो कंप्लीट करना है राइट। पेज नंबर 48 में मैंने आप लोगों को क्या बोला कि मछलियां है उन सब में हमें रंग करने हैं, और कितनी मछली है 9, तो उसमें 9 लिखना है, देखो बॉक्स दिया है उसमें, और फिर हमने पेज नंबर 49 पर अभ्यास किया, यानी कि हमें जो जो हमें चित्र दिखाई देते थे हमें उसके पहले पहले अक्षर लिखने थे राइट, तो हमने वो सब कुछ लिख लिया डन। तो नाउ हम नेक्स्ट सेशन में हमारी काव्य पंक्ति छोटे छोटे हमारे काव्य करेंगे, तो तब तक के लिए बाय।